हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुलचे की रेसिपी। एकदम सिंपल और इंस्टेंट हम कुलचे बना के तैयार करेंगे तो आपको होटल जैसी फीलिंग घर पर आएगी। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे कुलचे बने, एकदम सॉफ्ट और मुलायम, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं होंगे ना ही खिंचेंगे और सुबह से लेकर शाम तक सॉफ्ट ही बने रहेंगे। तो रेसिपी पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको मैंने पहले ही छान लिया था। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच चीनी, शुगर और 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इससे हमारे कुलचे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। सिर्फ 2 चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, इससे हमारे कुलचे एकदम इंस्टेंट बन के तैयार होंगे। और आधा कप आपको फ्रेश दही लेना है और दही आपको इसके लिए फ्रेश ही इस्तेमाल करना है, खट्टे दही का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना हमारे कुलचों में थोड़ी खटास आ जाएगी, इसलिए आप फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करिएगा। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे आटे में सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप बेकिंग पाउडर के ऊपर ही दही डालिएगा, उससे क्या अच्छे से फर्मेंट होता है और हमारे कुलचे बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। और आपको इसके लिए ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब आलू को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सारे आटे को हम आलू के साथ ही मिक्स करेंगे, जरूरत पड़ेगी तब हम इसमें पानी या दूध डालेंगे, तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तभी ऐड करेंगे। तो मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा है तो मैंने 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल टेम्परेचर का। आप दूध का ही इस्तेमाल करिएगा, पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर का ही दूध होना चाहिए। तो आपको इसको मसलना नहीं है, सिर्फ हमें कंबाइन करना है सारे आटे को, जिससे सारा आटा एक साथ कंबाइन हो जाए, बस इतना ही आपको करना है। तो आटा हमने सारा कंबाइन कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं जिससे इसके ऊपर की स्किन ड्राई नहीं होगी, हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना रहेगा। तो आपको मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है, ज्यादा गीला नहीं करना है आटे को। तो हमने तेल लगा लिया है और आटा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम लोइयां बना लेंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट कुलचे बना रहे हैं तो आपको इसको रेस्ट पर रखने की जरूरत नहीं है, आप इसके इंस्टेंट कुलचे बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रेस्ट पर रख सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। तो मैं मीडियम साइज के कुलचे बना रही हूँ तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी लोइयां काट लूंगी। तो हमारी लोइयां भी रेडी हो गई है, चलिए अब इसके कुलचे बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये आलू के कुलचे इतने सॉफ्ट और मुलायम और इतने बढ़िया बनते हैं कि आप इसको बार बार जरूर बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा परोथन ले लेंगे, अगर ज्यादा परोथन नहीं डालना है और ज्यादा परोथन की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुलचे आसानी से बन के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आटा। तो देखिए, हाँ, आपको हल्का सा मोटा कुलचा ही बनाना है, पतले कुलचे नहीं बनाना है, जैसा आप रोटी बनाते हैं उससे हल्का मोटा रखना है। तो देखिए हमारा एक कुलचा बन के तैयार हो गया है, इस तरीके से हम बाकी के कुलचे भी बना लेंगे। थोड़ा सा परोथन लेंगे, परोथन के लिए आपको मैदा का ही इस्तेमाल करना है, आटे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको थिकनेस इसकी मोटी रखना है, क्योंकि कुलचे मोटे ही बनते हैं। तो आप इसको लंबा गोल किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं गोल ही शेप में बना के तैयार कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारे कुलचे बना के तैयार कर लेंगे, बहुत झटपट ये कुलचे बन जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको किसी भी फेस्टिवल पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये कुलचा भी बन के तैयार हो गया है, थिकनेस आपको दिख रही होगी कितना हमने इसको मोटा रखा है। तो कुलचे हमारे रेडी हैं, चलिए अब इनको सेक भी लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है, नॉन स्टिक तवा ही है, आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम कुलचे को डाल देंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए इसको सेक लेंगे, ये बढ़िया फूल जाते हैं, एकदम बढ़िया सा इस पर कलर आ जाए, तब तक आपको इसको दबाते हुए सेकना है, साइड से इसको दबाना है जिससे कुलचा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो आपको मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से सेकना है जिससे वो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से हमारा कुलचा सेक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये कुलचा हमारा सेक चुका है, कितना बढ़िया इस पर कलर आ गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और भी कुलचे सेक के तैयार कर लेते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप किसी भी फेस्टिवल पर इन कुलचों को बना के तैयार कर सकते हैं। आपने दिवाली में बाकी सब की चीजों की तैयारी कर ली होगी तो आप इस कुलचे को भी जरूर ट्राई करिएगा, अपने और मेहमानों को जरूर बना के खिलाइएगा, क्योंकि ये झटपट कुलचे बन के तैयार होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही इसको रेस्ट पर रखने की जरूरत है। तो देखिए हमारा ये दूसरा कुलचा भी बन के तैयार हो गया है, दिख रहा है ना कितना बढ़िया, और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये भी हमारा कुलचा सिक के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सारे कुलचे भी सेक लेते हैं। तो कुलचे हमारे सारे सिक के तैयार हो गए, देखिए कितने बढ़िया दिख रहा है, एकदम रेस्टोरेंट जैसे। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए एकदम सॉफ्ट
और मुलायम, बिल्कुल भी चुई नहीं होंगे, बिल्कुल भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि हार्ड हो गए हैं आपके कुलचे, एकदम सॉफ्ट और मुलायम रखे रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा इसका टेक्सचर वीडियो में, इसी टाइप के हमारे कुलचे रहेंगे। तो आप इस पर चाहे तो घी लगा सकते हैं, मैं इसमें बटर और गार्लिक का ऊपर से कोट कर लगा रही हूँ, जिससे हमारे कुलचे एकदम मार्केट जैसे लगेंगे। तो मैं 2 टेबल स्पून बटर लिया है और इसमें 1 चम्मच मैंने गार्लिक डाल दिया है। अब गार्लिक को अच्छे से हल्का सा भून लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो इसे अच्छे से हमारा भुन चुका है, ये रेडी हो गया है। चलिए अब इसको हम कुलचों पर लगा देते हैं। इससे क्या एकदम बाजार जैसा फ्लेवर आएगा हमारे कुलचों पर, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे कुलचे बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो इस पर नॉर्मल घी भी लगा के तैयार कर सकते हैं, बटर लगा सकते हैं। तो देखिए कुलचा कितना बढ़िया हमारा दिख रहा है। इसी तरीके से हम सारे कुलचों पर ये बटर लगा के तैयार कर लेंगे, गार्लिक बटर। इससे क्या स्वाद भी बढ़ेगा हमारे कुलचों का और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट एकदम बढ़िया कुलचे बनके तैयार हुए। आप इसको किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व करिए, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमारे कुलचे रेडी हो गए हैं, सारे कुलचों पे हमने बटर लगा के तैयार कर लिए हैं और इतने सारे आटे में ढेर सारे कुलचे बन के तैयार हो जाते हैं। तो अपनी फैमिली में खिलाइए फेस्टिवल्स पे और जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट कुलचे बनते हैं, बिल्कुल भी चुई नहीं होते और ना ही खिंचेंगे और ना ही बिल्कुल हार्ड बनेंगे। तो मैंने इनको छोलों के साथ सर्व किया है, आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, पसंद आई हो तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।